Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. देसिया के गड्ढ तना गामा में मिलेंगे, लंबे ठाडे कुर्ता पजामा में मिलेंगे, तेरी आँखें में चौंधे ये लग गए डार्लिंग, हारे चुल्ले भरे खजाना में मिलेंगे। मेरी दादी दौरे बैठ के बना लिए तू रील, बारने में काट दिए ऊंची ऊंची हील, पैंद सरियाणा कर राखिए तू ख्याल, फिर दादाला खुंडाना बरता का डील। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। गाँव ऐसा जिसमें भारत माता की मूर्ति स्थापित करी गई पहली बार, क्योंकि आसपास में कहीं पर भी नहीं थी। और इतना बढ़िया गांव, सफाई की बात करा, प्रत्येक गली बिल्कुल साफ सफाई थे। गांव में जब धार्मिक स्थलों की बात करा हाँ, मैं भी अपने आप में एक काबिले तारीफ है। और सड़कों गए गलियां गए चारों तरफ जो पेड़े हैं वह आपने दिखने लग रहे होंगे। और गांव का इतिहास भी जानांगे। गांव नेपाला में इस टाइम पर मौजूद हाँ, जो उजाणा के छह गांव में शामिल है। और उजाणा तो एक ही बचा था, बताया जावे है कि करीबन 190 साल की उम्र इस गांव की होगी है। और किस तरह से कौन कड़ा तक के कुछ आया था वो सारी की सारी बातें करांगे आप, और जानांगे इस गांव का इतिहास। और बीच बीच में आपने इस गाँव के जो विजुअल हैं वो भी नज़र आवे, क्या क्या खास चीज़ें हैं इसमें। और एक ऐसा गायक जिसने अपने गांव का नाम अपने साथ में रखा हमेशा है, निप्पू नेपाला, तो वो भी हमारे साथ में है। और उन्हें का मुँह तो यह सारी सारी बात आप जानांगे और उनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो सबसे पहले तो खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। तो हुक्म करो भाई साहब। जब साफ सुथरे गाँव में बात चल रहा है तो नेपाला गाँव की भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो गांव का इतिहास जानने की बड़ी इच्छा लोगों की रही होगी, और अपनी आने वाली पीढ़ी थी मेरे हिसाब से तो इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं पाती है। तो उनका खातर आप चाहवा कि वीडियो बनावा ताकि आगे आने वाले टाइम में भी मैं इनकी देख सका। तो जब नेपाल की बात करा तो गांव कितने उम्र का हो गया और कड़ा तय का बचा था, एक बार इतिहास पर थोड़ा सा जरूर करूँ। अपना गाँव पहला जैसे अपना गाँव था उजाणा, तो मेरे ख्याल से इस गाँव में हो गए 190 साल का करीब हो गए। तो उजाणा तो आया हुआ हमारा गांव जो नेपे वाला, तो हमारे छह गांव हैं, कोल कराड़ डुंडुआ अंबरसर नेपे वाला उजाणा। तो ये छह गांव हैं, तो लगभग 190 साल का करीब हो गए। और छह गांव का जो भाईचारा है वो भी मान्य है, जो छह गांव थी मिलकर ने इतिहाई बनाई थी उजाणा में, जो उसकी वीडियो भाई आपने पहला अपना चैनल पर देख भी ली है, काफ़ी पॉपुलर भी रही है वहाँ। हाँ जी हाँ जी, देखी थी मैंने आपकी सारी वीडियो, देखता रहूँ मैं। तो छह गाँव में जिस तरह एक गाँव अपना भी है नेपे वाला, तो मतलब बढ़िया है, मतलब थ्याई भी फेमस है अपना उजाणा गाँव की। तो अपना गाँव भी साफ सफाई का मामला में भी हर चीज़ में मतलब बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो अपना गाँव में जो भारत माता की मूर्ति है वह स्थापित करी है, आसपास के कौन से गाँव में है फिर? यह नहीं, आसपास के गाँव में तो मैंने तो नहीं देखी अब तक, तो जो होगी भी तो फिर बेरा को नहीं, मैंने उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपने यह कर रखी है, एक बार कैमरा दिखा दो भाई, आप घुमा दो। यह इब्बे करी थी थोड़े दिन पहला, मतलब हो गए हुए दो ढाई महीने, तो हो गए हुए तीन महीने। हाँ, तो वही 15 अगस्त का इसका उद्घाटन था, तो इब अपना 15 अगस्त पे करा था इसका उद्घाटन। तो गांव में जो आप मंदिर डेरिया की बात करा हाँ, या फिर और धार्मिक स्थलों की बात करा, उनका बारे में थोड़ी जानकारी दो। गांव में अपना ये पीछे देखते हो गए आप, जो खाकनाथ जी का मंदिर है अपने, और यहाँ पे बाबा जी है वो सोमवार नाथ जी है। तो लगभग सारा काम की है जो देना है बाबा जी की देना है, लगभग साफ सफाई का मामला में तो बाबा जी ने बहुत ज़्यादा सहयोग कर रखा है। और गांव के जितने लगभग बाड़ा गए हमें भी मतलब पूरा सहयोग देवे साफ सफाई का मामला में। बाबा एक बार हुक्म करे तो सारे बाड़ा इकट्ठे हो जाए अपने, नो को नहीं भाई मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ इसी कोई बात नहीं है, मतलब साफ सफाई में सारा काम का सहयोग है, मतलब कहने का मतलब यूँ है। तो जो कुएँ हैं वह कितने हैं गाँव में? गाँव में दो कुएँ हैं भाई, मतलब ये बाल फिलहाल मैं दोनों चालू है। तो लेकिन आजकल अपने बेरा लगभग आर ओर चल रहे हैं घर घर में, लेकिन वो भी दिखावांगे अपने, दो कुएं बना रखे हैं साइड में बना रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौक है या फिर स्त्रियाँ कौन से? हाँ चौक भी है गांव में, मतलब पार्क भी है स्कूल भी है। तो मतलब अपना जींद जिला में मेरे ख्याल से कितने 7 स्टार मिले हैं, 7 स्टार मिले थे
मतलब साफ सफाई का मामला मैं पहला नंबर पे काम अपना, वो देख भी लियो आप, वीडियो में दिखा भी दियो, चारों तरफ इस तरह की ग्रिल लगी पावेगी गांव में। और यो देख लो, ये जोड़ है, मतलब यो मंदिर है तो वो सामने मतलब वह भी चारों तरफ ग्रिल लगा रखी है, तो मतलब साफ सफाई है पूरी बढ़िया। तो गांव की ज़्यादा बात करा हम, गांव में सबसे पहला कौन सी कौम आई थी? भाई कौम तो के मतलब वो तो अपना जिस तरह जाट आए थे, जुगर उजाने आए थे, तो खेड़ा किस थी बंदा था? खेड़ा भी मेरे ख्याल तक बूढ़ा था एक, अपना पुराना नाम था संदल नाम था शायद, तो उन्हें का बंदा शुरू थे। तो फिर और कौन सा गांव में, तो कौन सी जातियाँ आगे बसी थी? बग जाति तो जिस तरह उजाना तह रहे है, तो मतलब जिस तरह अपना खाती हो गए, कुछ दनोरी तह भी आ रहे है, तो मतलब जिस तरह नाई है वहीं उजाना तह रहे है, मतलब इतनी ज़्यादा तो जानकारी है नहीं मैंने, लेकिन आस पास के है लगभग, मतलब ज़्यादा सारे अपने लगभग जाने तह रहे है, मतलब 36 जाति है गाँव में, मतलब हर तरीके की है भाई, सारे राय है। मतलब राजनीति का मामला में अगर बात करा या फिर जनसंख्या का मामला में बात करा, तो वोट कितने हैं गाँव में? जनसंख्या तो होगी मेरे ख्याल से 2500-3000 का करीब, 3000 का करीब वोट है, 1500-1600। और राजनीति का मामला में कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई वो नहीं है राजनीति का मामला हमारे गांव में, मतलब शांत सा स्वभाव का गांव है अपना। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हुआ है, तो रोड़े झगड़े कितने के? कुछ मेरे ख्याल से 7 PDM आज तक किसी ने देखे नहीं होगा, 307 का केस भी नहीं है किसी का, बस यो तो मतलब 307 तो नॉर्मल होगा आजकल गांव में, वो भी नहीं है, छोटे मोटे तो हो गए लड़ाई झगड़ा के, हाँ। तो वो होगा नहीं, आज तक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इस बात का भी रिकॉर्ड है। तो राजनीति की अगर बात करा, हाँ, तो राजनीति में किसा कह सक्रिय है कि भाई ना मैं फलानी पार्टी के एंटी हैं, वो उस पार्टी के? ना, इसे कोई ना तो कोई घना हा सक्रिय है, ना कोई नू भाई मैं फलानी पार्टी में जाना, यू करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पारिवारिक सिस्टम है सारा, जितना भी है कहने का मतलब भाईचारा है, जतौड़ लावा उसी साइड में लग जाए, मतलब कोई ऐसा न्यू नहीं है भाई तो फलानी पार्टी में जाए मैं फलानी में जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बंदे है काम है। तो रोजगार की ज़्यादा बात करा हाँ, तो गांव में सरकारी रोजगार कितना कहोगे भाई? बस सरकारी रोजगार की तो इतनी तो ज़्यादा मैंने नॉलेज है को नहीं है, काफ़ी है, मतलब नौकरी भी करनी है जो पुलिस में भी है, तो मतलब हर तरीके के है, मतलब सरकारी तो मैं खुद ही गुनी सरकारी वैसे और काफ़ी है। तो फिर आपकी ये बात कर लें, तो आपने किस तरह से नेपा वाला साथ में जोड़े, आप मलिक भी लगाए इसको थे और भी लगाए इसको थे जो भी? बस नेपे वाला तो क्या है कि मैं वैसे तो आप 15 साल तक लगभग नरवाना ही रहा, 15 साल तक गाँव में भी अपना मकान है, नरवाना भी हनुमान नगर में, तो एक अपना शुरू तो अपना गांव तक प्यार प्रेम है, मन अपनी माटी तक प्यार प्रेम है। पहला क्या होया करता, जिस तरह मैं कितने भी जाया करता, बाहर जाया करता, आज तक 10-15 साल पहला जब मैं लाइन में आया, तो गूगल पे कदे भी अपन नेपे वाला सर्च मारे कर दे तो वो नाम नहीं आया करता नेपे वाले का, या तो उजान आया करता या फिर अपना 2 किलोमीटर गड्डी है जो पंजाब वाला है, UNS-10 ये 7 है, हाँ हाँ, तो यो हाईवे उसे की लोकेशन दिखाया करता लगभग, उजाना की दिखाया जाता या फिर पराना दनोरी की दिखाया करता, मतलब मारे गांव की कौन लोकेशन दिखाया करता। तो फिर मैंने लाइन में आया तो मां गूगल पर कोई सर्च करागा तो अपना गांव जरूरी आना चाहिए शुरू में, इसे करके निप्पू नेप्पे वाला लगाया था, एक नाम भी निप्पू था, जिस तरह निप्पू नेप्पे वाला मतलब बोलने में भी स्वाद सा करता। तो आपका बिल्कुल भी नाम निप्पू नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो संदीप है मेरा, संदीप मलिक, तो बस इसे करके निप्पू नेप्पे वाला एक मतलब उस टाइम ब्रांडेड नाम लागे करता मैंने खुद ही। अच्छा, तो फिर खुद ही क्रिएट कर लिया भाई निप्पू, हाँ। सही है निप्पू नेप्पे वाला, निप्पू तो जाने है मैंने सारे निप्पू। अच्छा। गए करते जितने भी स्कूली नेम है मेरा, जिस तरह हाँ जो संदीप नाम है, संदीप नाम है मेरा स्कूली नेम है, तो मतलब निप्पू तो बस ये जो घर परिवार के गए कर दे और सारे जाने रिश्तेदार निप्पू तो जाने कर दे। अच्छा हाँ, तो फिर गाने गुने लग गए तो निप्पू नेप्पे वाला एक न्यू मतलब अच्छा नाम था उस टाइम। अच्छा। तो इस लाइन में ज्यादा आए नहीं, मैंने घर क्या को नहीं कहा कि के छेड़ लिया काम? ना किसी ने नहीं कुछ कहा, तो शुरू में तो अपने न्यू है जाटा कह ही करा भाई के डूम वाला काम छेड़ लिया, या तो सभ्य गला ही करा आपने मेरा जी बात कर। फिर अपना एक आधे गाने गुने करे शुरू में, खेत में ड्यूटी करा था तो बढ़िया रिस्पॉन्स आया, मेरे पापा तो भी कहनी है 2-4 थे भाई बढ़िया गाने गावे, तो मतलब ठीक से गाने थे मेरे, जो फैमिली में सुनने वाले गाने थे उस टाइप के गाने थे,
तो कर क्या ना भी बढ़िया लग गया गल है भाई मेरे पापा। तो फिर के कारण है मतलब जिस तरह के लोग जम बैक टू बैक ले कान लग रहे हैं आप क्या तो कोई जम ठंडा सा खींच रहे नहीं नहीं ठंडा के बस ही अपने गाने आवेगे काफी 20-22 गाने तैयार कर रखे ही मैंने। अच्छा हाँ 20-22 समय तो 2-4 तो चल रहे गए क्या चल रहा जे बढ़िया लिख रहे हो सारे चल रहे नहीं 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 बढ़िया तो सारे है गाना एक के बहुत हुआ चल रहा है आदमी का कोई भी हो कलाकार एक के ढूंढे ठह दिए। हाँ ये तो बात है तो वो जो उनसे पिछले जो नहीं भी चल रहे नहीं वो एक चल रहे में भी चल जाए गला गला सारे लग ले हैं और इस करके वैसे बताऊँ 20-22 समय 2-4 तो चल रहे गए तो एक कदम निकालोगे या फिर ना 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 वो अलग अलग आवे कोलैब है मेरी जिस तरह राजू पंजाबी गले भी है मासूम शर्मा गले भी है बहुत से आर्टिस्टा गला सब गले कोलैब है मेरे रैप है लिख भी मैंने रखे है गाने उनमें रैप है मेरे। तो वीडियो कंप्लीट हो ली उनकी या ऑडियो ऑडियो हुई है वीडियो ली 11-12 गाने की वीडियो कंप्लीट हुई पड़ी है वो कंपनियां में भी दे रखे हैं वो रिलीज कब करेगा इस बात का नहीं मेरा। तो कंपनियों के बारे में एक दो आर्टिस्ट कहते हैं जो नए बालक हैं उनका गला चीट भी कर दे नहीं नहीं हर तरीके के होते हैं देख बंदे मतलब किसी खातर कोई अच्छा भी हो किसी खातर कोई बुरा भी हो और मेरे ख्याल तो लगभग सबने चैनल अपने चला रखे हैं मैं तो कहना भी यही चाहूँगा अपने अपने चैनल चलाओ कंपनी कंपनियाँ भरोसे गए ही रहो ना अपने चैनल चलाओ मन भी मेरा भी चैनल शुरू कर 2-3 ऑडियो डाली भी है उस पर 2-4 और डालेंगे बढ़िया उठ जाएगा फिर बैक टू बैक अपने चैनल पर डाले करेंगे कंपनियाँ तो कई बार के हुआ डिमांड होगा भाई अगले की मतलब रिक्वायरमेंट कशा तक करने पड़ा है तो कंपनियां। तो निपू भाई कोई लेटेस्ट गाना क्योंकि पुरानी यादें मेरे ख्याल तो पहले तो एक पुराना है मैं थोड़ा सा यादें ताज़ा कर दे फिर उसके बाद मैं नया आगे भी थोड़ी सी न्यूज़ सुनाई जुम्मन आने वाला हो पुराना मैं तो भाई मैंने बॉडीगार्ड गाना था मेरा उसका रैप बढ़िया लग गया तो उसका मतलब मेरा फेवरेट रैप है वो सुनाता हूँ आपने देख भाई छोटे लगते हैं पैसे मोटे यदि काम करना है दिन काटे गने खोटे मन देखे न फिर टोटे बराम करना है पहला पैसा कमाया कुछ करके दिखाया फिर गाने ऊपर लाए जीत भी जाऊँ से बोले निपू भाई आया खाली पैसा मत सोचे गेला नाम भी बनाया निपू होली चले तो लगे गोली चले मेरे पाया तला है या आग सी बड़ा है मैं बादशाहूँ का बेटे बादशाह तेरी गिला करना से मन हादशा मेरी माया तू समझ न पाया मैं फिल्मी गणा तेरी पलट दुखाया आवाज बड़ा ले तेना मजा आवे बेस में गाना चलेगा मेरा देश विदेश में तू जलता रहेगा मैं जलाता भी रहूँगा मैं डेंजर से रैप गाता भी रहूँगा। बिल्कुल और जो ताज़ा लेटेस्ट आने वाला है हमें कौन सा है ताज़ा लेटेस्ट एक गाना आवागा जैला जैलदार भाई का इबे कराया मैंने रैप कराया 3-4 दिन पहला तो अपने संजू भाई ने म्यूजिक बनाया और वो गाना केडी ने लिख रखा है और जैला ने गाया उसका रैप है थोड़े 2-4 लाइन सुनाता हूँ उस टाइप से देसिया के गड्ढ तना गामा में मिलेंगे लंबे ठाडे कुर्ता पजामा में मिलेंगे तेरी आँखियाँ में चौंधे ये लाग गए के डार्लिंग हारे चूल्हे भरे खजाना में मिलेंगे मेरी दादी दौरे बैठ के बना लिए तू रील बारने में काट दिए ऊँची ऊँची हील पैंद सरहाना का राखिए तू ख्याल फिर दादाला खुंडाना बर्ता का डील कुछ इस टाइप का बिल्कुल मैंने देसी हा टच है इसका मैं जो अपनी पुरानी चीजें हैं उनके साथ में लेकर चलिया है तो कब सी गाने रिलीज होने वाले हैं भाई वो गाना जल्दी आ जाएगा मतलब 10 दिन में 15 दिन में वो टाइम तो इबे रखा नहीं है उसका ना डेट रखी किसी प्रकार की तो वो तो जल्दा भाई बात करूंगा मैं कद कराएगा तो भाई जल्द आपने देखने मिले बॉन्ड वगैरह भी हो यही भी कहते कोई कंपनी वाला बॉन्ड हो रहे हो भाई निपू क्या इंटरव्यू दे देने ना ना ईसा कुछ नहीं है करता बॉन्ड वो है लेकिन उसमें ईसा न्यू ईसा मन ने तो कोई देखे नहीं भाई इंटरव्यू नहीं देना किसी की वीडियो वाइट नहीं बनानी ये हुआ फालतू के फंडे। बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग क्या होती है कि 10 गाने ही बॉन्डिंग कर ली कई आर्टिस्ट के हो है स्त्रियां भी बॉन्डिंग कर लिया भाई 10 गाने में आपके बनाऊंगा 10 बार भी बना सकूं टोटल 20 गाने की हो है कई है कि सीओ भाई मैं तेरे तक 6 गाने दूंगा कंपनी में मैं बाहर कितना ही काम करूँ कई है कि सी भी हो भाई मैं 6 गाने करूंगा बस तेरे ही करूंगा किसी और के नहीं करूंगा उसमें यू थोड़े हो भाई किसी का इतना इंटरव्यू नहीं देना या फिर इंटरव्यू की भी मान लिया किसी की वीडियो बाइट नहीं बनानी ये बांधना थोड़े हुआ यार सही गला थोड़े घोटना हुआ है इसका मतलब कंपनी मनमानी कर जाएगी हाँ फिर तो कंपनी वाले किसी तरीके से भी चला सके बिल्कुल बिल्कुल मना करो कोई बॉन्ड है और फिर मेरे पैर लंकर हुई है आधारित बात नहीं होगी सीधी सी बात है। तो भाई भाई का बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर ली गांव का बारे में भी कर ली फिर ज़्यादा तो तम भी बोर हो जो हो और मेरे ख्याल तो सारी बात आई गई होंगी कोई घना लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं यूँ कह सकते कि भाई नहीं आई होंगी तो भाई ये अपना गांव में आया नेपे वाला गांव में भाई
तो मन्नत आज बाहर जाना था तो इनका फ़ोन भी बेकराड आए थे, कराड थे, फ़ोन कर रहा था इनती भाई, इनती भाई तेरा काम में आ रहे हैं तो यार खड़ी मेरी गाड़ी भी उरे खड़ी है, मैं बाहर जाऊँ था तो भाई आए, भाई आते मिलकर बहुत बढ़िया लगे, और अपने खास हरियाणा देखने वाले सारे भाई ने मेरी राम राम, और भाई मतलब तो भाई ने सपोर्ट करियो जितना उसका, और इंटरव्यू ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करियो। बिल्कुल भाई, मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।